तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि किसी का नंबर सेव किए बगैर उसको व्हाट्सएप किया जा सके? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं आई ऑप्शन यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज के दौर में लाखों नहीं करोड़ों लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, यकीनन आप भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे। जब भी आपको किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका नंबर मोबाइल में सेव करते हैं, उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे चेक करते हैं और उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। अक्सर दोस्त अहबाब प्रिंटिंग शॉप पर जाते हैं और दुकान वाला कहता है कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, तो वो आप उसका भी नंबर सेव करते हैं और उसके बाद उसको वो मतलूबा चीज़ सेंड करते हैं और वो आपको प्रिंट लेकर देता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको कोई एक पार्टिकुलर चीज़ जो होती है 50 बंदों को या 50 एम्प्लॉयज़ को भेजनी होती है, सेंड करनी होती है व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन आपके पास तो उन सब के नंबर्स नहीं होते, तो आप क्या करते हैं, बारी बारी उन सब का नंबर सेव करते हैं और उनको व्हाट्सएप करते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि किसी का नंबर सेव किए बगैर उसको व्हाट्सएप किया जा सके? या कोई ऐसा भी तरीका है कि अपने ही नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप उसको सेव कर सकें? कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको किसी ग्रुप में कोई पोइट्री आती है और आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको आने वाले वक्त के लिए सेव किया जा सके, लेकिन आप किसी को सेंड भी नहीं कर सकते उस टाइम पे, तो आप अपने ही नंबर पे उस पोइट्री को सेंड करना चाहते हैं, तो जल्दी से गूगल पर आएं, यहाँ पर आकर टाइप करें WA.me/9292 का, आपको पता है कि पाकिस्तान का कोड है, 92 बनाने के बाद उसके बाद मतलूबा नंबर डायल करें, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 306, ये मेरा नंबर है। जैसे नंबर आप सर्च करेंगे तो आपके पास दो तरह की ऑप्शन आएंगी, या तो आपको कहेगा कंटिन्यू टू चैट, या आपके सामने एक ऑप्शन आएगी ओपन टू व्हाट्सएप। तो जैसे इसको ओपन टू व्हाट्सएप करेंगे या कंटिन्यू चैट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास का जो व्हाट्सएप का चैट बॉक्स होगा उसमें ये खुल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।